हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय सिमसिम स्टोर। कैसे हैं आप सब? सो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली कुछ लेटेस्ट कलेक्शन पेंडेंट सेट या पेंडेंट डिज़ाइन जो आपके ऑल ओवर लुक को कंप्लीट करता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आप अपने लुक को डिफाइन करने के लिए कैसा पेंडेंट सेट पहने जिससे आप बहुत ज़्यादा ओवर भी ना लगे, लाइक बहुत ज़्यादा आप जो है चंकी पंकी भी ना लगे एंड बहुत ज़्यादा डिसेंट आपका लुक आए। एंड कब जो है आप थोड़ा सा गेट टुगेदर में जा रहे हैं या छोटी मोटी पार्टीज़ के लिए, नाइट पार्टीज़ के लिए जा रहे हैं, तो कौन सा पेंडेंट सेट आपके लुक को अच्छा करे एंड आपके लुक को एलिगेंट एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बनाए, वैसे पेंडेंट सेट आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन से पेंडेंट डिज़ाइन मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट जो पीस मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैंने वेयर कर रखा है एंड फर्स्ट ऑफ ऑल बोलूँ मेरा फर्स्ट एंड जो बोलते हैं ना मेरा फेवरेट वाला जो पीस है वो मुझे यही लगा है एंड आई लव दिस बिकॉज ये जो पीस है गाइस ये आपकी लाइक ऑफिस जाते हैं तब बहुत अमेजिंग लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा चंकी भी नहीं लगेगा, लाइक आपने कुछ ज़्यादा ओवर लाइक कैरी कर रखा है ऐसा भी नहीं लगेगा, बट बहुत ही सिंपल स्टाइलिश एलिगेंट लुक देगा आपको। एंड आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है गाइस एंड आई लव दिस बिकॉज ये बहुत सुंदर है यार। एंड ये जो है आपके लाइक फॉर्मल अगर आप कहीं जा रहे हैं पार्टीज़ के लिए नॉर्मली भी उसमें भी आप कैरी कर सकते हैं। सो मैं इसका थोड़ा सा आपको क्लोज लुक दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो कितना प्रिटी पेंडेंट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है एंड इसका आप उल्टा साइड देखेंगे तो ये कुछ इस टाइप का लगता है, आप देख सकते हैं। एंड इसकी चेन की क्वालिटी बहुत अमेजिंग है। इसी के साथ आपको इसकी बहुत ही क्यूट सी पेयर ऑफ इयरिंग मिलते हैं, इस टाइप की इयरिंग है एंड ये कुछ इस टाइप के हैंगिंग डिज़ाइन में है एंड यहाँ पर भी आपको बहुत ही प्रिटी से जो है डायमंड लगते हैं एंड यहाँ पर भी छोटे से डायमंड है एंड इयरिंग्स सुंदर लगते हैं, आप देख सकते हो कितने प्रिटी लग रहे हैं, लाइक आपने कुछ ज़्यादा भी नहीं कैरी कर रखा है एंड आपके लुक को बहुत एलिगेंट एंड बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश बना रहे हैं। एंड इसकी क्वालिटी गाइस अमेजिंग क्वालिटी, प्राइस के अकॉर्डिंग इसकी क्वालिटी A1 है एंड मुझे इसका पेंडेंट भी बहुत अच्छा लगा, इसके इयरिंग भी बहुत अच्छे लगे। चाहे तो आप सिर्फ इयरिंग कैरी कर लीजिए, चाहे तो आप सिर्फ पेंडेंट कैरी कर सकते हैं एंड आप देख सकते हैं मेरे वेस्टर्न वेयर के ऊपर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इंडियन अटायर, वेस्टर्न वेयर, वन पीस हर किसी के ऊपर बहुत अमेजिंग लगेगा एंड मेरा फर्स्ट एंड बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, लाइक मेरा फर्स्ट एंड मेरे बोलते ना एक बार में जो चीज़ आपको पसंद आ जाती है और आप बोलते हो आई लव दिस, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। हमारा जो नेक्स्ट पेंडेंट सेट है गाइस वो अगेन बहुत ब्यूटीफुल है, पार्टी वेयर एंड चाहो तो आप इसे अपने ऑफिस में भी कैरी कर सकते हो। सो दिस इज़ द पेंडेंट सेट, बहुत ब्यूटीफुल है, लीफ डिज़ाइन में है एंड यहाँ पे आपको स्टोन मिल जाता है। इसे ओपन करके आपको बता देती हूँ, लाइक इसकी चेन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, इस टाइप की चेन है। सो ये थोड़ा सा जो है कर्वी है, इस टाइप से आपको दिखा दूँ, इस टाइप से कर्वी है एंड पेंडेंट जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इसके साथ आपको मिलता है लाइक इयरिंग्स, लाइक स्टड इयरिंग्स मिलते हैं, वो भी बहुत ब्यूटीफुल। इसके साइज़ पेंडेंट की जो साइज़ है सेम साइज़ है, ना छोटा है ना बड़ा है, सेम साइज़ है पेंडेंट की। मैं इसे ओपन करके आपको एक बता देती हूँ, बहुत ब्यूटीफुल लाइक इयरिंग है इसकी गाइस, सीरियसली बहुत ब्यूटीफुल इयरिंग लगी है मुझे। ये जो इयरिंग आप बिना पेंडेंट के भी पहन सकते हैं एंड ये पेंडेंट भी आप बिना इयरिंग्स के भी पहन सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा कुछ इस टाइप का। और इसका लॉकिंग सिस्टम इस टाइप का है, यहाँ पे आपको स्टंट मिल जाता है एंड इसको आपको लॉक करना होता है इसके साथ एंड ये पूरा बंद हो जाता है इस टाइप से। सो बहुत ब्यूटीफुल है एंड ये स्टड एंड ये पेंडेंट बहुत ब्यूटीफुल है, मैं इसे वेयर करके बताती हूँ। सो गाइस दिस इज़ द फाइनल लुक एंड आप देख सकते हैं कितना प्रिटी लग रहा है एंड इसके इयरिंग्स एंड इसकी जो लेंथ है आप एडजस्ट कर सकते हैं, लाइक इसकी जो पीछे से है थोड़ी लंबी चेन है तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं एंड इसको लंबा भी रख सकते हैं अपने हिसाब से। तो लास्ट पीस जो मैं आपको बताने वाली हूँ पेंडेंट का वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आप छोटे छोटे पेंडेंट पसंद नहीं करते हैं एंड आप चाहते हो कुछ ऐसा बड़ा पेंडेंट पहनना जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं हो फिर भी बहुत ज़्यादा लुक को डिफाइन करे, तो कुछ वैसा भी स्टाइल मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, तो मैं आपको वो बता देती हूँ। सो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पेंडेंट है एंड बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है गाइस। सो दिस इज़ द पेंडेंट एंड इसका पेंडेंट का साइज़ जो मैंने अभी दो आपको बताए हैं उससे बड़ा है। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है बिकॉज़ ये आप देख सकते हो कितना सुंदर है एंड इसके लिए आप कोई भी ड्रेस कैरी कर सकते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारे कलर्स हैं। इसकी मैं आपको क्लोज बता देती हूँ एंड इसके साथ आपको कोई भी जो है इयरिंग्स नहीं रिसीव होती है, सिर्फ ये पेंडेंट ही है बिकॉज ये बहुत बिग पेंडेंट है तो उस हिसाब से इसमें इयरिंग्स नहीं है। आई लव दिस,
आप देख सकते हैं इसकी शाइन एंड इसका बैक साइड कुछ इस टाइप से है एंड स्टोन बहुत अमेजिंग लग रहा है। आई लव दिस। मैं इसे वेयर करके आपको बता देती हूँ किस टाइप का जो ये लुक आएगा। सो गाइस दिस इज द फाइनल लुक। ये बहुत प्रिटी है गाइस, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, स्टाइलिश एंड थोड़ा सा पार्टी वेयर लुक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऑफिस में आप इसे कैरी नहीं कर पाओगे बिकॉज ये थोड़ा सा जो है स्पाकी है तो उस हिसाब से थोड़ा सा ओवर लग जाएगा। एंड मैं आपको बता देती हूँ इसकी लेंथ जो है इतनी लंबी है, आप इजीली जो है अगर आप डीप नेक वगैरह कैरी करते हैं तो आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप आप लोग मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो एंड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे फॉलो कर लीजिएगा सिमसिम ऐप पे, जहाँ पे आपको मिल सकते हैं फर्स्ट परचेज पे 50 रुपीज़ का ऑफ, जो कि आपको मिस नहीं करना है। एंड ऐसे ही अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग फैशन ज्वेलरीज के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं उससे रिलेटेड वीडियोज़ भी और पोस्ट करूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।